गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माई यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैं बना रही हूँ चिकन की बिरयानी। तो आज मैंने कहा चलो चिकन की बिरयानी बनाते हैं। बहुत टाइम हुआ है चिकन की बिरयानी नहीं खाई, सब कुछ खाया है। तो मैंने कहा चलो चिकन की, तो फिर यहाँ पर चिकन मंगा ली थी 1 किलो की करीब। तो फिर यहाँ पर चिकन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी साफ़ सुथरी मिली थी, पर चिकन को धोना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर अच्छी चिकन होती है तो आप अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हो, अगर गंदी चिकन होती है तो फिर आप इतने इरीटेट हो जाते हो और आपसे साफ़ सुथरी ही नहीं होती, आप थक जाते हो। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी साफ सुथरी चिकन मिली थी, थोड़ा भी गंद नहीं था चिकन में। और साफ सुथरी चिकन तो सबको पसंद होती है, पर ये है कि चिकन को अच्छी तरीके से वॉश करना फिर ही पकाना, क्योंकि चिकन को बहुत बार वॉश करना पड़ता है। तो मेरी आदत है मैं इतनी बार वॉश करती हूँ। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा सब्जी भी ला चुके थे, प्याज टमाटर हरा धनिया पुदीना लहसुन हरी मिर्चें चावल इमली हर चीज़ मेरे बाबा ला चुके थे, क्योंकि आज मुझे बनानी थी चिकन की बिरयानी। तो फिर घर पर सामान नहीं था तो सामान खत्म हो जाता तो फिर लाना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके चावलों को सबसे पहले भिगो देते हैं। चिकन भी वहाँ मैंने धो लिए। चिकन धोने के बाद बस फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके सब्ज़ी कट करते हैं। सब्ज़ी कट करने के बाद फिर, क्योंकि चिकन की बिरयानी में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि आप अगर सब्ज़ी बनाते हो मुर्गी मतलब दाल बनाते हो सब्ज़ी बनाते हो कुछ भी, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। चिकन की बिरयानी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और सिले चावलों को 1 से 1.5 घंटा भिगोना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैंने गर्म ऑयल में प्याज डाल दी। अब मैं इसको छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट तक, क्योंकि अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगी कड़क प्याज और ब्राउन। थोड़ा सा बस नमक ऐड कर दूँगी, ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड नहीं करूँगी। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बाबा के लिए चाय बना रही थी। ये टाइम हो चुका था 11:30 बजे का टाइम था, तो दोपहर का खाना जल्दी बना लेते हैं। तो जल्दी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी से खा पी लेते हो, फिर गैस का टाइमिंग होती है। फिर यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था। वहाँ पे मैंने खीरे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन प्याज हो चुकी थी, टमाटर गरम मसाला सारी इंग्रेडिएंट मैंने काट कर रख ली थी, और गरम मसाले वगैरह मैंने कूट कर रख लिए थे। तो फिर यहाँ पे पुदीना भी मैंने वॉश करके अच्छी तरीके से कट कर लिया था। मैंने अब कहा चलो गरम ऑयल है इसमें जल्दी जल्दी करके चिकन ऐड कर देती हूँ। अब इसमें चिकन ऐड कर दूँगी, इससे 20 से 15, 10 मिनट 25 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मैं इसमें अदरक लहसुन टमाटर जो भी इंग्रेडिएंट मैंने कट कर रखी है फिर मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि चिकन को आप जितना भूनते हो उतनी अच्छी बनती है। और चिकन को वाइट मत रहना दिया करो, क्योंकि वाइट चिकन होती है तो फिर अच्छी नहीं बनती, फिर ऐसे लगता है कि आप कच्चा गोश्त खा रहे हो या कच्ची मुर्गी खा रहे हो। फिर कच्ची मुर्गी में आपको हिक्स ही आने लगती है, क्योंकि जब तक चिकन ब्राउन ना हो जाए अच्छी तरीके से, भून ना लो अच्छी तरीके से, तो फिर आप मत खाओ, तो फिर ये अच्छी नहीं लगती। और बिरयानी में इतनी चिकन भुनी हुई अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का टाइम हो चुका था, हरी मिर्चों का, फिर ये मैंने डाल दी। और मेरी चिकन देखो माशाल्लाह कितनी ब्राउन हो चुकी है, वाइट नहीं है कहीं से भी, तो फिर कलर चेंज हो जाता है तो फिर अच्छी बनती है। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर कुछ लाल भी ले लिए थे, कुछ कच्चे भी, क्योंकि कच्चे टमाटर बहुत अच्छे होते हैं, लाल भी बहुत अच्छे थे। बिरयानी आपकी खट्टी और मज़ेदार बनती है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, फिर लाइट भी नहीं थी। वहाँ पर मैंने रायता भी बना लिया था खीरों वाला। फिर यहाँ पर मैंने चावल भी ऐड कर दिए, तो फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावलों में दम लग चुका था, और मेरे चावल माशाल्लाह इतने कोई अच्छे बने थे, इतनी मज़ेदार बिरयानी बनी थी, सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। सबने कहा था कैसे लग रहा था बाहर किसी रेस्टोरेंट की बिरयानी है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। फिर यहाँ पे मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। फिर ढक्कन लगाने के बाद सिंपल सा मैंने चावल निकाल लिए थे अपने बाबा के लिए। मैंने कहा चलो बाबा को चावल दे दूँ, बाबा को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर जिस जिसको खाने होंगे तो फिर सब कोई खा लेते हैं। फिर यहाँ पर सबने खाना छाना खा लिया था। फिर उसके बाद ढेरों ढेर बर्तन पड़े हुए थे। फिर मैं बर्तन वॉश कर रही थी तो मेरी सिस्टर आ चुकी थी। मेरी सिस्टर ने कहा चलो चलते हैं आज कहीं घूमने। मैंने कहा कहाँ, तो उसने कहा चलो चलते हैं KFC। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बर्तन वॉश कर लूँ उसके बाद चलते हैं। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी इतनी खुशी होती है अगर आप कहीं जाते हो तो, लिटरली आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन वॉश करी थी, क्योंकि बर्तन सारे मैंने वॉश कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतना किचन में गंद नहीं रखती, और फैला हुआ किचन तो मुझे पसंद भी नहीं है, तो मैं हाथ के हाथ बर्तन धोती जाती हूँ। तो फिर यहाँ पर थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके हाथ के हाथ इसको भी धो लेते हैं। और टैंकी ने इतना कोई परेशान किया होता, टैंकी फुल थी, फिर भी कभी कम पानी हो रहा था कभी ज़्यादा पानी आ रहा था, और पानी तो इतना आज अच्छा आ रहा था। आज इतनी ठंड नहीं थी तो इतना नॉर्मल पानी आ रहा था, ठंडा पानी नहीं आ रहा था, मज़े से आप बर्तन धो सकते हो। तो फिर इसलिए मैंने नल इसलिए खुला छोड़ देती हूँ, क्योंकि जितना आप ज़्यादा चलाते हो नल को तो इतना आपका पानी अच्छा आता है, और आप उसी टाइम चलाते हो तो फिर आपका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है, तो फिर आप बर्तन नहीं धो सकते हो। फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर कहती है जल्दी चलो, फिर वहाँ पर जल्दी जल्दी करके मेरी सिस्टर ने मेरे कपड़े प्रेस कर लिए थे। फिर वहाँ पे अम्मी को मैंने कहा था चलो थोड़ी बहुत आप सफाई कर लो, तो फिर वहाँ पे अम्मी थोड़ी बहुत बिस्तर बिस्तर उठा रही थी और सफाई वफाई कर रही थी घर की। कूलर वूलर बना लिया था मैंने, तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश करने के बाद फिर जाऊँगी थोड़ा बहुत घूमने। फिर वो वाले क्लिप भी
आपसे ऐड करूँगी। तो बस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और फिर बर्तन धोने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और खाना शाना बनाने में तो आपको पता है कितना ही टाइम लग जाता है। जितना भी आप कर लो, आप कितनी भी जल्दी करने की कोशिश कर लो, लेकिन जल्दी कुछ भी काम नहीं होता, हर काम देर से ही होता है। तो फिर यहाँ पर फाइनली मेरे बर्तन धुल चुके थे, बस थोड़े बहुत थे, और सिंक ने तो कोई इतना बेजार कर दिया। सिंक में मैं भर भर के गर्म पानी की देगचियाँ डालती हूँ, फिर भी सिंक भर जाती है, क्योंकि आप बार बार चाय बनाते हो या आप चावल बनाते हो, सब्ज़ी कट करते हो, कुछ भी कट करते हो, कुछ भी इसमें फंस जाती है, चावल वगैरह पत्ती, तो फिर इसलिए ये बहुत इरिटेट कर देती है सिंक। तो फिर मैंने कहा चलो सिंक को भी खोल लूँगी, इसके बाद पहले बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ, क्योंकि बर्तन वॉश करने के बाद तो बस सिंपल सा किचन को हल्का फुल्का साफ़ करना होता है, क्योंकि किचन भी मैं साथ के साथ साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि चाय या दूध हो गया, खाना शाना हो गया, बिरयानी हो गई, ऑयल हो गया, कुछ भी मैं गिरने नहीं देती हूँ चूल्हे पर, क्योंकि गिर जाता है गैस पर तो इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल हो जाती है, पर साफ़ भी मुझे करना पड़ती है। तो फिर यहाँ पे फिर बर्तन मैं सोच रही थी बर्तन ख़त्म हो चुके, लेकिन बर्तन तो लाए जा रहे थे, मेरी बहन बर्तन दे ही जा रही थी, अम्मी कह रही थी ये भी धो लो, ये भी धो लो, और मैं जितनी जल्दी करने की जान छुड़ाती हूँ बर्तन इतनी पता नहीं कहाँ से भर भर के आ जाते हैं। फिर यहाँ पे देख ची मैंने फुल खोलता हुआ गर्म पानी डाल दिया था, मैंने कहा अच्छी तरीके से गर्म पानी इसमें डाल दूँ, क्योंकि चावल वावल लगे हुए होते हैं तो फिर आपका देगचा साफ़ नहीं होता। मैंने कहा चलो आज देगचा नहीं वॉश करती, इसको मैं धो दूँगी, रात को मैं वॉश कर लूँगी, पर फिर मैंने कहा चलो एक अगर देगचा पड़ा रहेगा तो फिर सारा किचन जो है फैल जाएगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा, और फिर बिल्लियाँ जो है इतना कोई ज़्यादा तंग करती हैं, तो फिर आप भी बर्तन नहीं रख सकते हो किचन में, तो आपको हाथ के हाथ धोने पड़ते हैं। तो बस फिर मैं बहुत ज़्यादा वहम करती हूँ, तो फिर बस मैं हाथ के हाथ बर्तन वॉश कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे बस थोड़े से और बर्तन थे, मैंने कहा चलो ये भी वॉश करने के बाद फिर बस एक देगचा रहेगा, बस देगचे को धोकर किचन वगैरह धोकर अच्छी तरीके से किचन की लाइट वगैरह बंद कर फिर काम नहीं है, फिर बस तैयार श्यार होकर और थोड़ा बहुत घूमने जाना है, और घूमने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पर देगचा साफ़ होकर ही नहीं दे रहा था, क्योंकि फिर आप जब इतनी चावल फंसे हुए होते हैं देगचों में तो फिर साफ़ नहीं होते। हालांकि मैंने इतना खोलता हुआ गर्म पानी भी डाला था और उसको गैस पर भी मैंने रख दिया था 10 से 15 मिनट तक, मैंने कहा अच्छी तरीके से चावल निकल जाए तो फिर उसके बाद ही मैं देगचे को साफ़ करूँगी। लेकिन नहीं ना, बस आपको जब इतना शौक होता है काम करने का तो फिर आप जल्दी जल्दी कर लेते हो। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी बस प्यारी बच्चियों की तरह, अच्छी लड़कियों की तरह, तो मैं जल्दी जल्दी करके मैं देगचे को साफ़ कर रही थी। फिर फाइनली मेरा देगचा इतनी मेहनत के बाद, इतनी मुश्किल के बाद मेरा देगचा साफ़ हो चुका था, और देगचे साफ़ होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से इसको बाहर से अंदर से अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के इसको धो दूँगी, तो बस इतना साफ़ सुथरा मेरा देगचा हो जाएगा। फिर बस और मुझे कोई भी काम नहीं था, खाना शाना मैंने नहीं खाया था, मैंने कहा चलो बाहर जाऊँगी तो वहीं पर ही फिर KFC जाऊँगी, तो फिर वहीं से सब बर्गर खाएँगे तो मैं भी खा लूँगी ऑफकोर्स। तो फिर मैंने कहा चलो, फिर यहाँ पे फाइनली मेरे बर्तन शर्तन धुल चुके थे, फिर किचन मेरा किचन का हाल कुछ इस तरीके से था, साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ पे कुछ सुबह वाली ब्रेड भी बची थी, क्योंकि नाश्ते में बच जाती है तो फिर रख लेते हैं। फिर यहाँ पर हम आ चुके थे KFC में इतना अच्छा, इतनी मज़ा आ रहा था, इतनी ठंड थी, और ठंड का तो फिर अपना ही मज़ा होता है, घूमने का और खाने पीने का भी फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर यहाँ पर हमने बर्गर शर्गर बोतल, और यहाँ पर फिर हमने ये भी मंगा लिए थे। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।